बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हकीकी मालूमात के साथ हाजरे खिदमत हूँ। आज का एक मेरा मौजू है, अल्लाह ताला का एक सफाती नाम है या कद्दूस, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे हजरात मुख्तलिफ बीमारियों में मुख्तलिफ बुरी आदत का शिकार हैं। बात होती है अमल की। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अमल नहीं करेंगे तो फिर कोई काम भी हमारा पाए तक मिल तक नहीं पहुँचेगा। तो मैं इस सिलसिले में आपसे गुजारिश करूँगा कि जो भी विर्द वज़ाइफ या दूसरी चीज़ें होती हैं जो बयान की जाती है हकीकी मालूमात चैनल के ऊपर, अगर आप उसके ऊपर अमल करेंगे तो फिर आपको इस्तफ़ादा हासिल, फिर आपको उसका फ़ायदा होगा। तो आज मैं अल्लाह ताला का एक नाम, सफाती नाम या कद्दूस। अगर कोई शख्स भी बुरी आदत का शिकार है, बुरी चीज़ों में उलझा हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नाम तो अल्लाह का ही है ना, लेकिन ख़ास कर बुरी आदत में कुछ लोग फंसे होते हैं, वो उससे छुटकारा चाहते हैं, उनसे छुटकारा भी वो हासिल नहीं कर पा रहे होते, वो तरह तरह की कशमकश का शिकार होते हैं, हालांकि वो चाह भी रहे होते हैं कि मुझे इससे आज़ादी हासिल हो। तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप अव्वल व आखिर 21-21 मरतबा दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप 11 मरतबा भी पढ़ लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 21-21 मरतबा पढ़ें, 41-41 मरतबा आप बेशक पढ़ सकते हैं दुरूद इब्राहिमी, और सेंटर में एक तस्बीह या कद्दूसों की असर और मगरब के दरमियान करें, और आप देखेंगे कि एक गिलास पानी रखें और पानी के ऊपर दम करके उसको पानी को पी भी लिया करें, आप देखेंगे 6-7 महीने बाद आपके अंदर वो बुरी आदत का छुटकारा होता जाएगा और आपका ज़हन ही कुछ और होता जाएगा। लेकिन बात क्या है अमल की। कोई भी शख्स जो अपनी बुरी आदत से परेशान है कि मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ, तो बेशक इसमें कोई आजमाइश नहीं करनी चाहिए। क्या अल्लाह ताला का सफाती पाक नाम है या कद्दूस, पाक है वो ज़ात, तो आप अल्लाह ताला का नाम या कद्दूस इसकी एक तस्बीह अव्वल व आखिर 21-21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ें, और सामने एक गिलास पानी का रख लें, उसके ऊपर दम करके उस पानी को भी 3 सांस में पी लिया करें बैठ कर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 6-7 महीने बाद आप अपने अंदर एक तब्दीली सी महसूस करेंगे। इंसान को ये एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला का जब इंसान जिक्र शुरू कर देता है तो इंसान के दिमाग में ऐसी हलचल मच जाती है कि उसको खुद भी समझ नहीं आती कि जब मैं कैसे तब्दील हो गई। तो इंसान को अमल करने की ज़रूरत है, और बड़े इत्तमाम के साथ। ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं या किसी जगह पर आके जगह पर बैठ के आप ये सब शुरू कर, आप घर में आराम से बैठे बावजू होके बैठ जाएं, अव्वल व आखिर 21-21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के सेंटर में एक तस्बीह या कद्दूसो या कद्दूसो या कद्दूसो ये पढ़ा करें। इंशाल्लाह ताला पानी के ऊपर दम करके आप पियेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बहुत सारी बीमारियाँ भी और बहुत सारी गलत आदत से आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। आप एक वक्त आपकी ज़िंदगी में वो आ जाएगा कि आप खुद वो जो काम जिसको आप बुरा समझते थे और सारे अंजाम देते रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी से ऐसे गैप हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि जी मेरा मसला कैसे हल होगा। तो हमेशा कुरान पाक की तालीमात भी यही है कि दिलों का चैन सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह के ज़िक्र के सिवा कुछ नहीं है। हमेशा अपनी ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र रखा करें, तीसरे कलमे का जिक्र किया करें, दुरूद पाक का जिक्र किया करें, या हय्यो या कय्यूम का जिक्र किया करें, पहला कलमा शरीफ का जिक्र किया करें, जिक्र अजकार में अपनी ज़िंदगी गुजारें, सदकात में ज़िंदगी गुजारें, और मियाना रवि से अपनी ज़िंदगी के अंदर रहें, और दुनिया के कामों में नहीं उलझना चाहिए हमें। हम दुनिया के कामों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, यहाँ तक हम किसी की मदद किसी की हेल्प कर सकते हैं तो कर दें अल्लाह की राह के लिए, ये हमारे लिए बेहतर है। और अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए किसी के दूसरों के कामों में मत उलझो।
हर बंदा किसी न किसी परेशानी में मुब्तला होता है, अगर आप उसकी कोई हेल्प कर सकते तो कर दें, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप खामोश रहें। जहाँ तक आप उसकी दुनियावी माली कोई ऐसी प्रॉब्लम है उसके साथ, तो आप उसको अगर हल कर सकते, अल्लाह ने इस्तेदात दी है तो करें, ये आपके लिए बेहतर है। सदकात भी ऐसे ही होते हैं, सदकात के साथ साथ अल्लाह का जिक्र करने वाला इंसान यकीनन अल्लाह की रहमत का मुस्तहकी होता है, यकीनन अल्लाह की रहमत उसके ऊपर ही आती रहती है। तो आप तमाम हजरात के लिए मैं ये वजीफ़ा लेकर आया था, ये कोई वजीफे की सूरत नहीं है, ये कोई चिल्ले की सूरत नहीं है, ये अल्लाह ताला का सफाती नाम है या कद्दूसो। इसको पढ़ें और अपने आप को आप तब्दील महसूस करेंगे। कुछ लोग कहते हैं मैंने आजमाया, आजमाने वाली कोई बात नहीं, जहाँ अल्लाह का जिक्र वहाँ क्या आजमाना है, अल्लाह अल्लाह ही है, वही है जिसने ज़मीन आसमानों का नूर, वही है जिसने दुनिया को सजाया, जिसने हमें पैदा किया, जिस मौत भी उसी की तरफ से, ज़िंदगी भी की उसी की तरफ से। और ज़िंदगी में सब्र के दामन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को, सब्र वो चीज़ है जो इंसान को बुलंद मरतबे पर लेकर जाती है। तो मैं आपके लिए ये चीज़ लेकर आया था, तो आप इसको ज़रूर करें। तो मैं हकीकी मालूमात के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।